हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग इन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो नीट की कट ऑफ है उसके बारे में। उसके साथ साथ दोस्तों, कैटेगरी वाइज हम एक एक करके सभी स्टेट का एनालिसिस करेंगे। तो जितने भी स्टेट्स के बच्चे हैं वो स्टेट कोटा काउंसलिंग में सेकेंड राउंड उनका अगर कट ऑफ देख रहे हैं और लेटेस्ट नोटिस देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं सभी स्टेट्स की जो जो आज स्टेट्स ने अपडेट डाले हैं उन सभी स्टेट्स का वन बाई वन करके एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अपना पक्का देखना, क्योंकि आपको अपने स्टेट की अपडेट इसमें पक्का देखने को मिलेगी। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हो MST CET की प्रिपरेशन, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। दोस्तों, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलेंगे आपको MST CET के, और आपको लाइव अटेम्प्ट करने का चांस मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अनअकैडमी चैंपियंस लीग आपके लिए लेके आया। तो जो भी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन अगर MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है MST CET चैंपियंस लीग। और दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है 19 दिसंबर को है। तो अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PCB के भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं कर देना है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा बहुत अच्छे प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का चांस दोस्तों। तो आप इसमें स्कॉलरशिप लगभग 3 लाख तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये जो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये 19 दिसंबर को होने वाला है। तो अगर आप कर रहे हैं MST CET की प्रिपरेशन और आपको एनरोल करना है फ्री टेस्ट के लिए, तो अनअकैडमी आपके लिए टेस्ट लेके आया दोस्तों। आप इसमें 3 लाख तक के भी प्राइजेज यहाँ पे जीत पाओगे। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप PCB के स्टूडेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं PCB वाला टेस्ट, जो 9 से 10:30 बजे के बीच में होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों, आप इस टेस्ट का अटैम्प्ट कर सकते हो 11 बजे से 2:30 बजे तक 19 दिसंबर को, 11 बजे से 12:30 बजे तक फ्रेंड्स। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, और टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। तो 11 से 12:30 तक आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों, आप इस टेस्ट को एनरोल कर सकते हो फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। उसके साथ साथ आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, जो भी आपके दोस्त वगैरह MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्रैक करने के लिए। अगर आप दोस्तों, मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है RC2020, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको कोई भी अगर फ्री क्लास होगी तो उसको अनलॉक करने का चांस मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने पे आपको 10% का अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है MST CET के लिए दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जो टेस्ट जो है 19 दिसंबर को जो आने वाला चैंपियंस लीग है, इसमें पार्टिसिपेट करके अपने अच्छे प्राइजेस जीत सकते हैं। सो फ्रेंड, जो पहली अपडेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो सबसे पहले लेके आया हूँ आंध्र प्रदेश के। तो जो भी स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश स्टेट से हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आंध्र प्रदेश ने अपना जो स्टेट कोटा राउंड 2 है, उसका जो सीट मैट्रिक्स होता है, और उसमें वो सीटें जो AIQ से रिवर्ट होके आई है, कि AIQ से किस कॉलेज के लिए कितनी सीटें वापस जो AIQ के बच्चों ने या तो ज्वाइन नहीं की या वो छोड़ दिया है। तो उसमें अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पर सारी कैटेगरीज यहाँ आपको दिखाई दे रखी है, कॉलेज का कोड दिखा रखा है, कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, कॉलेज का नेम, और उसके बाद सारी कैटेगरी। तो आप देख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है जो सिद्धार्था कॉलेज है, उसमें जो UR है उसका कितनी एक सीट वैकेंट है। उसके बाद SC गर्ल्स की दोस्तों 1 सीट वैकेंट है। उसी प्रकार दोस्तों, गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज का यहाँ पे बता रखा है, पूरे कोड के साथ यहाँ पे बता रखा है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको MBBS की सीट वैकेंट देखनी है, तो आप इस कंप्लीट शीट को आप यहाँ देख सकते हो कि इस कॉलेज में जो SUV वाला कॉलेज है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है BCD कैटेगरी के लिए। तो जो बच्चे BCD कैटेगरी में है, वो इस कॉलेज के लिए स्टेट कोटा राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीटें AIQ से रिवर्ट हो गया ये आंध्र प्रदेश के लिए। तो दोस्तों, ये अपडेट थी आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अगली अपडेट आपके सामने जो स्क्रीन पे हो, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे पंजाब के लिए सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं काउंसलिंग में, उनके लिए अपडेट है कि उनका जो फ्री चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंसेस होगा, वो इंक्लूडिंग NRA कोटा, वो 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में होगा। ये पंजाब स्टेट के लिए है दोस्तों। जो भी बच्चे पंजाब स्टेट से स्टेट कोटा राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उनका ये अपडेट है। और आपका डिस्प्ले ऑफ सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग है, वो आपका 18 तारीख को होने वाला है। तो 18 तारीख को आपका डिस्प्ले ऑफ ऑनलाइन का होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी रहेगी वो 20/12/2020 हो गई। उसके बाद दोस्तों, जो मॉपअप राउंड की डिटेल आप देख सकते हैं, मॉपअप राउंड के लिए उन्होंने बोला है कि द शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग सेल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटर ऑन। तो आपको 20 तारीख के बाद, 20 दिसंबर के बाद पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो मॉपअप राउंड है, उसका शेड्यूल उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा।
अगली जो अपडेट है दोस्तों वो है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी बच्चे राजस्थान स्टेट से हैं तो उनका बताया है कि आज के दिन राउंड टू का जो आज 14 जैसे उनका राउंड टू का शेड्यूल के बेसिस पे चल रहा है कि हर दिन 400-500 बच्चों को बुला के स्टेट कोटा राउंड टू की ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। तो अभी जो 14/12/2000 के अकॉर्डिंग अभी जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे रिलीज किया हुआ है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर के गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट नहीं बची हुई है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप हो चुके हैं। तो राजस्थान में अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज में 0 सीट्स हैं। तो 0 सीट्स हैं राजस्थान के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वहाँ पे कोई सीट नहीं है MBBS की, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो फ्रेंड्स इसको। उसके बाद जो सीटें वैकेंट है दोस्तों वो आपको आज के दिन जितनी सीटें वैकेंट हुई है राजस्थान में स्टेट कोटा में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें सीटें बची हुई, जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट में, अनंता में, गीतांजलि में बची हुई है, MG में, NIMS में बची हुई है, जनरल की सीट बची हुई है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट में बची हुई है। इसमें टोटल प्राइवेट कॉलेज है उसमें काफ़ी सीट बची हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज में सारी सीटें फिलअप हो गई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो मैनेजमेंट सीट्स काफ़ी वैकेंट है, अगर हम देखें तो RUHS CMS में भी वैकेंट है। और टोटल अभी जो आज के दिन टोटल सीट वैकेंट है वो यहाँ पे उन्होंने टोटल बताया कि 988 सीट बची हुई है। तो जो बची हुई दोस्तों नोटिस 988 सीट है राजस्थान में, ये तो या तो ये मैनेजमेंट कोटा की सीट बची हुई है या ये प्राइवेट कॉलेज की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान की जो स्टेट कोटा राउंड की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है, और उसका एग्जाम्पल आपको मिला है कि गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग सभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली हो गई है। ये सीट दोस्तों आपका जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स है राजस्थान का वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीट एग्जाम न्यूज पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान ने जो भी बच्चे हैं जिनका स्लॉट राउंड टू के लिए बचे हुए बच्चे हैं उनका स्लॉट जारी कर दिया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप राजस्थान से हो तो आपका स्लॉट नंबर क्या है। इस कंप्लीट शीट में एक एक करके हर दिन जो 15 तारीख के जितने भी स्लॉट्स हैं वो आज रिलीज कर दिए गए हैं। तो जिन बच्चों को भी 15 तारीख को काउंसलिंग होने वाला है राजस्थान स्टेट से वो इस कंप्लीट स्लॉट मैट्रिक्स में जाके अपनी सीट चेक कर सकते हैं और अपनी स्टेट मेरिट यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हैं। तो राजस्थान के लिए दोस्तों ये अपडेट है कि राजस्थान के बच्चे जितने भी काउंसलिंग में गए हैं उनका जो 15 तारीख का आप देख सकते हो 15 तारीख को जो भी इनकी अगर किसी की स्टेट मेरिट के बेसिस पे बच्चे 2301 से काउंसलिंग अगर आपकी स्टेट मेरिट है तो आपका 15 तारीख से आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। ये थी राजस्थान की अपडेट फ्रेंड्स। अगली अपडेट है दोस्तों हरियाणा के लिए। तो जो भी बच्चे हरियाणा स्टेट के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा ने अपना जो स्टेट कोटा राउंड टू का सीट मैट्रिक्स है वो पूरा यहाँ पे बता दिया है कि कितनी सीटें यहाँ पे बची हुई आप देख सकते हो। टेंटेटिव पोजीशन फॉर वैकेंट सीट ऑफ MBBS एंड एडमिशन फॉर अकेडमिक ईयर 2021-22, तो उसमें जितने भी कॉलेज है हरियाणा फला का कॉलेज है दोस्तों, उसके बाद MGT यूनिवर्सिटी है, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें जितनी भी सीटें बची हुई है दोस्तों वो सारी कैटेगरीज की सीट आपके सामने स्क्रीन पे है। तो अगर आपको देखनी है तो हरियाणा में कितनी सीटें बची हुई आफ्टर राउंड वन मतलब राउंड टू काउंसलिंग के लिए, तो इस शीट को आप मेरे टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट जो मैंने आप लोगों को शेयर की। मिलता हूँ एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट। अगर दोस्तों आपको ये सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे डाउनलोड कर सकते हैं।